म्यूचुअल फंड के रिस्क, रिटर्न और परफॉर्मेंस के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स कैसे सेलेक्ट करें म्यूचुअल फंड्स को? सो म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन अपने पोर्टफोलियो के लिए डिपेंड करती है इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पर, उसकी नीड पर, उसके फाइनेंशियल गोल्स पर। NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का 12th चैप्टर यानी फाइनल चैप्टर म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन पर ही है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब लेकर आया हूँ। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में लास्ट 11 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर कर चुके हैं, जिन्हें आप आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर या फिर किसी भी और चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू व्हाट्सएप अस ऑन 7217746224। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। सो टू वॉच आर एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेनिंग वीडियोस फॉर एक्सपर्ट्स लाइक यू, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। मेरा नाम है अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंडशाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम देखेंगे चैप्टर 12 के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को समझ लेने के बाद डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से भी अच्छी फेमिलैरिटी हो जाएगी। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगरीज वुड बी कंसीडर्ड द लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क? द ऑप्शंस आर क्रेडिट रिस्क फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डायनामिक बॉन्ड, गिल्ट फंड। इसका राइट आंसर डी है, यानी कि गिल्ड फंड्स। सो गिल्ड फंड वो फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर क्रेडिट रिस्क को समझे तो ये एक ऐसी रिस्क होती है कि आपका बॉन्ड इश्यूअर अपनी फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट कर जाएगा। तो जब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं, यानी कि इश्यूअर गवर्नमेंट ही है, तो चांसेस बहुत कम होंगे डिफॉल्ट के। सो इसलिए क्रेडिट रिस्क के टर्म्स में सबसे लीस्ट रिस्की माना जाता है गिल्ड फंड्स को, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले फंड्स को। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ क्विक सेंस ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, सेबी सजेस्टेड अ सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क नॉन एज डैश। द ऑप्शंस आर रिस्कोमीटर, रिस्क फैक्टर्स, फैक्ट शीट या फिर इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइल। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि रिस्कोमीटर। सो रिस्कोमीटर के ग्राफ के जरिए आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम होगी उसमें रिस्क लेवल कैसा रहेगा, कि वेरी लो रहेगा, हाई रहेगा या वेरी हाई रहेगा। इस टूल की मदद से इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पैसिव फंड्स आर सेफ एज द NAV ऑफ सच फंड्स डू नॉट गो डाउन इवन व्हेन द रिस्पेक्टिव मार्केट्स फॉल। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। इसका राइट आंसर बी है, यानी कि फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। सो मार्केट फॉल होने के साथ साथ आपके जो पैसिव फंड्स हैं वो भी एक फॉल एक्सपीरियंस करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि पैसिव फंड्स एक तरह के इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो वो जो फॉल एक्सपीरियंस करते हैं वो सिमिलर रहता है उनके बेंचमार्क के फॉल से। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स वुड हैव लोअर रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? द ऑप्शंस आर मल्टी कैप फंड, फोकस्ड फंड, थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड। द राइट आंसर इज ए, यानी कि मल्टी कैप फंड, क्योंकि मल्टी कैप फंड अपने एसेट्स को अक्रॉस दी मार्केट कैपिटलाइजेशन और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क थोड़ा कम रहता है। और वहीं अगर बात करें सेक्टर फंड्स की, तो वे एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर काफ़ी हाई रहती है। और वहीं बात करें थीमेटिक की, तो वो भी एक थीम के अराउंड ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सो इसलिए उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहती है। और वहीं बात करें फोकस्ड फंड्स की, तो फोकस्ड फंड भी एक फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। सो इसीलिए इसका राइट आंसर है मल्टी कैप फंड्स। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। डैश आर क्लोज एंडेड डेट फंड्स। द ऑप्शंस आर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ओवरनाइट फंड्स, डायनामिक डेट फंड्स या फिर आर्बिट्राज फंड्स। इसका राइट आंसर ए है, यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वो प्लान्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट ऑलरेडी फिक्स होती है और ये फंड्स क्लोज एंडेड रहते हैं। और वहीं अगर बात करें बाकी सभी मेंशनड ऑप्शंस की, जैसे कि ओवरनाइट फंड्स, आर्बिट्राज फंड और डायनेमिक डेट फंड्स, ये सभी एक तरह की ओपन एंडेड स्कीम्स हैं जिनमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और विड्रॉवल्स भी कर सकते हैं।
ओवरनाइट फंड्स और डायनेमिक डेट फंड्स तो बिलोंग करते हैं डेट फंड्स कैटेगरी को, और वहीं आर्बिट्राज फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जीसैक पेपर्स आर नॉर्मली इशूड ऑन अ, द ऑप्शंस आर शॉर्ट टर्म बेसिस, मीडियम टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस या वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। इसका राइट आंसर सी है, यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस। सो जीसैक पेपर्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही इशू की जाती हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रियल इस्टेट इज एन इलिक्विड मार्केट, गोल्ड हैज द एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी। द ऑप्शंस आर बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट या फिर ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इसका राइट आंसर ए है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। सो रियल इस्टेट, जैसा कि हम सब जानते हैं, लिक्विडिटी उसमें थोड़ी कम रहती है, और वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लिक्विडिटी का काफ़ी फायदा है बिकॉज ये इंटरनेशनल एसेट क्लास भी है। आइए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्बिट्राज फंड्स इज सूटेबल फॉर, द ऑप्शंस आर लिमिटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी मार्केट्स, गेटिंग डिसेंट रिटर्न्स लाइक डेट फंड्स, गेटिंग टैक्स बेनिफिट्स लाइक इक्विटी फंड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगर आर्बिट्राज फंड्स की बात करें तो पहले तीन मेंशनड ऑप्शंस ही इसके फीचर्स हैं। आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करके आप इक्विटी मार्केट की रिस्क को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिसेंट रिटर्न भी बना सकते हैं डेट फंड्स जितने, ऑल तो और इक्विटी टैक्सेशन का भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। अगर आर्बिट्राज फंड्स को समझे तो आर्बिट्राज फंड्स वो होते हैं जो कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आइए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग इन फॉरेन इक्विटी मीन्स, द ऑप्शंस आर टेकिंग एक्सपोजर इन इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट, टेकिंग एक्सपोजर इन एक्सचेंज रेट, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर सी है, यानी बोथ ऑफ द अबव। सो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करके आप एक्सपोजर लेते हैं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट का, और साथ ही साथ क्योंकि इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में हो रही है तो आप एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए हमारा फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर ELSS? द ऑप्शंस आर इन्वेस्टर्स कैन क्लेम एन इनकम टैक्स बेनिफिट, देर इज अ लॉक इन पीरियड बिफोर इन्वेस्टमेंट कैन बी विदड्रॉन, देर आर नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फंड मैनेजर्स, या फिर दीज फंड्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। इसका राइट आंसर, जैसा कि हम में से बहुत लोग जानते होंगे, डी ऑप्शन है, यानी कि दीज फंड्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, और बाकी सभी मेंशन्ड स्टेटमेंट्स ELSS के केस में सही हैं। ये तो था NSM 5A के चैप्टर 12 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर या फिर किसी भी और चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड सेल करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।